श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। आज एक बहुत ही प्रसिद्ध वेद मंत्र लेकर के और अपनी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूं। सिद्धांत है वैदिक त्रैतवाद, और वैदिक त्रैतवाद में ईश्वर, जीव एवं प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप और आपसी संबंधों की चर्चा इस वेद मंत्र में आई है। और हमारी भारतीय पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ और वैज्ञानिक आधार पर पुष्ट करने के लिए इस वैदिक त्रैतवाद के सिद्धांत का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। जो वेद मंत्र, जिसकी मैं बार बार प्रशंसा कर रहा हूं आज, वह वेद मंत्र ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में आया है। पहले मंत्र लेता हूं, फिर शब्दार्थ और फिर भावार्थ, और फिर अंत में आज अपने दोहे नहीं सुनाऊंगा। प्रयास करता हूं कि आज स्वर्गीय सत्यपाल जी पथिक के इस सिद्धांत पर आधारित बहुत ही प्रशंसनीय और प्रचारित दोहे हैं, उन्हें आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। पहले वेद मंत्र, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादु अति अन्यः अन्न अश्नन अभिचाकशीति। एक एक शब्द लेकर के अर्थ। दो सुपर्णों, दो सुंदर पक्षी, सयुजो सहयोगी, सखायो परस्पर मित्र हैं, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष के ऊपर, परिशस्व जाते एक दूसरे से लिपटे हुए गड्ढ मड्ड उस वृक्ष पर स्थित हैं, बैठे हुए हैं। तयो इन दोनों में से अन्य एक पिप्पलम इस वृक्ष के फल को स्वादु अति बड़े मजे से खा रहा है, अन्य दूसरा पक्षी अन्न अश्नन ना खाता हुआ अभी चाकशीति अध्यक्षता का कार्य कर रहा है। इस पूरे मंत्र के अंदर लगता है कि एक प्रकरण आ गया कि किसी एक वृक्ष पर दो पक्षी जो आपस में सहयोगी हैं, मित्र हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं और गड्ढ मड होकर के लिपटे हुए हैं, और एक पक्षी उस वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी उस वृक्ष के फल को पहले पक्षी को खाते हुए देख, यहां देख शब्द नहीं है, अभी चाकशीति अध्यक्षता करते हुए देख रहा है। दोनों में अंतर क्या है आगे स्पष्ट करूंगा, लेकिन दूसरा पक्षी फल को नहीं खा रहा है। इस मंत्र में लुप्त उपमा अलंकार आता है, अर्थात ये दोनों पक्षी भी और वह वृक्ष भी उपमा के रूप में दिए गए हैं, जिनका प्रयोग अन्य के लिए है। किस प्रकार, मैं पहले थोड़ा उपमा अलंकार, लुप्त उपमा अलंकार बता देता हूं ताकि मंत्र के अर्थ को स्पष्ट करने में आसानी हो जाए। हमने कहा कि राणा सांगा शेर के समान वीर था, या हमने कहा कि योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत वीर हैं या शेर हैं।
अब हमने कहा राणा सांगा शेर के समान वीर था, तो दोनों में समान धर्म क्या है? दोनों के अंदर समान धर्मता है, वीरता का गुण। जैसे शेर वीर है वैसे ही राणा सांगा वीर थे, ऐसा समान धर्म। अब राणा सांगा शेर नहीं है और शेर राणा सांगा नहीं है, ये उनमें विधर्मता रही कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अब राणा सांगा को आते देखकर हमने कहा कि देखो शेर आ गया। अब शेर तो नहीं आया है, यहां शेर का प्रयोग राणा सांगा के लिए किया गया और ये अलंकार कहलाया लुप्त उपमा अलंकार। ठीक इसी प्रकार से इस मंत्र में जो पक्षी उस वृक्ष पर बैठा फल खा रहा है वह तो अल्पज्ञ एक देशीय जीव है, वह मैं हूं। जो पक्षी फल को ना खाते हुए अध्यक्षता करता हुआ पहले पक्षी को फल खाते देख रहा है वह ब्रह्म है, वह ईश्वर है। और ये वृक्ष की उपमा इस प्रकृति से दी गई है। अब इसको और अधिक स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार। इससे पहले स्पष्ट करूं तो मैंने एक शब्द कहा था जो अंत में आया था, अभिचाकशीति, अध्यक्षता करते हुए। यहां दृष्टा और अध्यक्ष में फर्क है, अंतर है, इसे हमें समझना होगा। देखते हुए, मैंने देखा कि एक अपराध हो रहा था, मैं उस अपराध को देख करके उस अपराध का वर्णन करते हुए उसका गवाह हो सकता हूं, चश्मदीद हो सकता हूं। लेकिन एक पुलिस वाले ने उस अपराध को होते देखा तो उसे रोकने का प्रयास किया, अर्थात वह दृष्टा से बढ़कर के कुछ अन्य भी है। ठीक इसी प्रकार प्रथम पक्षी को फल खाते हुए अध्यक्षता करते हुए दूसरा पक्षी अर्थात ईश्वर अध्यक्षता करते हुए देखता है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव के प्रत्येक कर्म का अध्यक्ष रूप में, दृष्टा रूप में प्रत्येक कर्म का हिसाब रखते हुए। अब केवल हिसाब रखना नहीं है, आगे है, आगे क्या है कि उसका अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम की तुला पर तोलते हुए दंड या पुरस्कार उसकी नियति किस्मत या प्रारब्ध में के रूप में देने के लिए वह केवल दृष्टा नहीं रहे ईश्वर अपितु अध्यक्ष भी बन गए। एक भाव तो यह है और दूसरा भाव यह भी है कि इस वृक्ष का निर्माण भी प्रथम पक्षी अर्थात ईश्वर ने किया, अर्थात ये समस्त सृष्टि, ये समस्त प्रकृति, ये ईश्वर ने प्रथम पक्षी के उपयोग एवं उपभोग के लिए ही तो रच करके दे दी। ऐसा जब निकल करके आया कि ये वृक्ष की रचना, इस सृष्टि की रचना, इस प्रकृति की रचना उस कस्मै देवाय हविषा विधेम का अर्थात एक ही, एकस्मै एक ही का अर्थात सुख स्वरूप का अर्थात उसके अतिरिक्त और कौन और अन्य कौन, उस ईश्वर ने ही रच करके जीव के उपयोग उपभोग के लिए दी। और साथ ही साथ एक बात और आ गई कि जीव को इस प्रकृति के ईश्वर प्रदत्त ऐश्वर्य का उपयोग उपयोग व उपभोग त्याग पूर्वक करना है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, भोग तो करना है लेकिन संग्रह नहीं करना है, भोग तो करना है लेकिन ईश्वर प्रदत्त मान करके करना है,
भोग तो करना है लेकिन सही दशा और दिशा जान करके धर्म प्रयज अर्थात धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करना है, ना कि केवल और केवल इंद्रियों के सुख के लिए और अंततः इंद्रियों के सुख के लिए साधन एकत्रित करते हुए उस सुख के साधनों के मकड़ जाल में फंस करके तड़प करके मर जाने के लिए नहीं करना है। इसीलिए ईश्वर को यहां अध्यक्षता अभिचाक शीति करते हुए कहा गया और प्रथम पक्षी जीव को उस प्रकृति के ऐश्वर्य का भोग करते हुए उपमा के रूप में बतलाया गया कि उसने उस फल को खाना है, खा रहा है, बहुत मजे से खा रहा है, लेकिन वह किस भाव से खाए, तो त्याग पूर्वक खाए। ये बात निकल कर के आई। अब इसको घटाते हैं किस प्रकार और कहां ऐसा हो रहा है। मैं और मेरा ईश्वर, हम दोनों पक्षी मेरे ही भीतर हैं, हम दोनों एक साथ गड्ड मड्ड होकर के यहीं रह रहे हैं। मैं साधन का उपयोग इस मानव के तन का, देह का, शरीर का, रथ का उपयोग एवं उपभोग कर रहा हूं, अर्थात फल को खा रहा हूं। केवल साधन ही नहीं, इस साधन के माध्यम से ईश्वर प्रदत्त समस्त प्रकृति के ऐश्वर्यों का भी मैं उपयोग व उपभोग कर रहा हूं। इंद्रस्य युज्य सखा, वह ईश्वर मेरा सच्चा मित्र है, परमात्मा जीवात्मा के सच्चे मित्र हैं। चूंकि वह अपना मित्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि मैं भी अपनी ओर से ईश्वर के प्रति मित्र धर्म का निर्वहन करूं। और किस प्रकार से करूं, जो गुण परम पिता परमेश्वर में मैं हैं और उनकी स्तुति करते हुए मैं बार बार उन गुणों का की व्याख्या करता हूं, प्रशंसा करता हूं, बोलता हूं, उन गुणों को जान मान कर मैं धारण कर पाऊं। ईश्वर दयालु हैं तो मैं भी दयालु हो पाऊं, ईश्वर पालक हैं तो मैं भी पालन कर पाऊं, ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं तो मैं भी पर्यावरण की सुरक्षा कर पाऊं यज्ञ के माध्यम से या वृक्ष आदि को लगा करके, ऐसा ना करूं कि दोहन करता रहूं और फिर पहाड़ों के ऊपर से जब चट्टाने गिरे तो मैं घबरा जाऊं, हिमालयन सुनामी आए तो मैं डर जाऊं, चक्रवात आए तो मैं ईश्वर को याद करने लगूं, ऐसा नहीं है। दो सुंदर पक्षी हैं जो सहयोगी हैं। यदि ईश्वर मुझे प्रकृति के साधन दे रहे हैं तो प्रकृति का संरक्षण करना मेरा दायित्व बन जाता है। सखायो हैं, वह मेरे सच्चे मित्र हैं तो मैं भी उनका सच्चा मित्र बनूं, तभी मैं प्रकृति के ऐश्वर्य का उपयोग एवं उपभोग कर सकता हूं। और यदि मैं प्रकृति के समस्त साधनों का उपयोग एवं उपभोग करना चाहता हूं तो मुझे भी उस मित्र धर्म का निर्वहन करना होगा। और मुझे इन तीनों के बारे में, ईश्वर, प्रकृति और जीव अर्थात अपने बारे में भली भांति समझना होगा। अब मैं कुछ दोहे दे देता हूं, सम्माननीय स्वर्गीय श्री सत्यपाल जी पथिक के लिखे हुए, और उन दोहों के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। इस सारे संसार में मूल तत्व हैं तीन, ब्रह्म जीव और प्रकृति, वेद वचन प्राची। यह तीनों संसार में अलग अलग हैं तत्व, नित्य अनादि अनंत हैं, इनका बहुत महत्व। यहां प्रकृति के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि वह कैसे अनंत हो सकती है, तो स्वरूप परिवर्तन होता है, कभी सूक्ष्म से स्थूल हुई और स्थूल से संहार के बाद सूक्ष्म रूप में पुनः परिवर्तित हो गई। इसीलिए कहा ये तीनों संसार में अर्थात ब्रह्म जीव और प्रकृति, ये तीनों संसार में अलग अलग हैं तत्व, नित्य अनादि अनंत हैं, इनका बहुत महत्व। सर्वशक्तिमय ब्रह्म है, परम सच्चिदानंद, सकल ज्ञान भंडार है,
पावन करुणानंद ब्रह्म अखंड असीम है, कभी न होए विभक्त भूत भविष्य आज भी रहे एक हर वक्त, जन्म मरण के फेर में ब्रह्म कभी ना आए, यह प्रपंच है जीव का जन्म मरण फल पाए, ब्रह्म सर्वव्यापक सदा है आनंद स्वरूप, जीव एक देशी रहे सहे दुखों की धूप, सहे दुखों की धूप। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, ओम इति शम।